फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन हेयर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मंकी बाइट से रिलेटेड केसेस के बारे में। जनरली क्या है कि इंडिया में जो मंकी बाइट है, डॉग बाइट के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रॉब्लम है। क्योंकि इंडिया में आप देखोगे, कहीं भी हिल स्टेशन पे घूमने जाओ या इवन इन एरिया जहाँ पे जंगल्स हैं, इवन इन दिल्ली वेयर बी स्टे, वी हैव लॉट ऑफ मंकीज, बहुत सारे मंकीज होते हैं। और जनरली मंकी बाइट की समस्या काफ़ी होती है, क्योंकि कुछ लोग जब मंकी फीड कर रहे होते हैं उस समय अटैक करता है वो, या आप कुछ सामान लेके जा रहे हैं, खाने का सामान है, वो छीनने की कोशिश करते हैं, उस समय वो अटैक करता है। जनरली ज़्यादातर रिस्क उनमें है जो ट्रैवल करते हैं। जैसे हम कहीं भी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग मंदिरों के आसपास घूमना चाहते हैं, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि मंकी की प्रॉब्लम काफ़ी होती है, जो आपसे फूड छीन के ले जाते हैं। इन द प्रोसेस आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो आपको बाइट भी कर सकते हैं या उनका नाखून भी लग सकता है। ऐसे में मंकी बाइट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे बचे कैसे। सबसे पहले मंकी बाइट में आपको करना क्या है, देखिए मंकी बाइट में मंकी का कोई हिस्ट्री नहीं होता कि उसको रेबीज का वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि जनरली उनको नहीं लगा होता। तो ऐसे में अगर मंकी बाइट है या स्क्रैच है, कैसा भी स्क्रैच है जिसमें आपका स्किन इंटैक्ट नहीं रहा, हल्का सा इंजरी हो गया है, ब्लड आ गया है बाहर, हल्का सा, ज़्यादा डीप हो या कम डीप हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्रोफाइलेक्सिस के बारे में सोचना होगा। जैसे ही बाइट हो आप ऊंड को अच्छे से क्लीन करें, कोई भी साबुन या डिटर्जेंट ले लें, और घाव को जहाँ पे बाइट ऊंड है वहाँ पे 5 मिनट तक साबुन से वॉश करें उसको। 5 मिनट वॉश करने के बाद करीब 15 से 20 मिनट तक उसको टैप वाटर से फ्लश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इमीडिएटली आप कोई एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ले लें, ताकि इन्फेक्शन वहाँ पे कोई ज़्यादा ना फैले। और उसके बाद एंटी टेटनस वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, जो आपको लोकल कहीं डॉक्टर के पास मिल जाएगा। और फिर पोस्ट बाइट एक्सपोजर एंटी रेबीज की वैक्सीन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली पोस्ट एक्सपोजर 5 वैक्सीन लगते हैं, 0 डे, 3rd डे, 7th डे, 14th डे और 28th डे पे, ये जरूर करवाएं। क्योंकि मंकी बाइट में कोई डाउट ही नहीं है कि आपको ये पूछना ही नहीं कि इनको वैक्सीन लगी है कि नहीं। अगर ये बाइट है, स्क्रैच है या उसका सलाइवा आपके ब्रोकन स्किन को टच किया है, तो इमीडिएटली आपको पोस्ट बाइट एक्सपोजर रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए और टेटनस का भी वैक्सीन लगवाना चाहिए। अब इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डिजीज़ है जो जनरली मैकॉक मंकी से फैलता है, सारे मंकी से नहीं फैलता, ये मैकॉक मंकी है जो इंडिया में काफ़ी पाए जाते हैं, इनसे फैलता है, इनके बाइट से फैलता है, और उस वायरस का नाम है हर्प्स बी वायरस। ये जनरली मैकॉक मंकी से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है बाइट के थ्रू, हालांकि थोड़ा रेयर है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरस है, क्योंकि इसमें भी आपको मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है। जनरली अगर आपको मंकी बाइट है तो आपको हर्प्स बी वायरस होने के चांसेज हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है अगर मैकॉक मंकी से बाइट हुआ है तो। सिम्टम्स जो इस वायरस के हैं वो कोल्ड की तरह होते हैं, जिसमें हल्का सा हेडेक होता है, फीवर आता है, बॉडी एक होता है, बाद में जाके आपका CNS एंड स्पाइनल कार्ड में ये वायरस चला जाता है, और फिर ये जनरली ये काफ़ी फैटल होता है, मॉर्टेलिटी रेट हाई होता है इसमें। तो अगर आपको मंकी ने काटा है, खास करके वो मैकॉक मंकी है, उसके साथ एक्सपोजर हुआ है, तो हर्प्स बी वायरस का भी ट्रीटमेंट लेना आपके लिए ज़रूरी है। और लोकल जो भी मेडिकल डॉक्टर्स होंगे वो आपको हर्प्स बी वायरस का ट्रीटमेंट, एंटीवायरल ड्रग होता है इनका, एक थेरेपी होता है 14 दिन का, जनरली वो कंसिडर करेंगे। यहाँ पर भी आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि चूंकि मेरा मंकी बाइट है तो गो फॉर हर्प्स बी वायरस ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अगर हो गया तो काफ़ी रिस्की होता है। तो मेनली एंटी रेबीज, एंटी टेटनस एंड एंटी हर्प्स बी वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है, उसका ट्रीटमेंट ही करना होता है, जो जनरली 14 दिन तक चलता है, वो अपने आप को जरूर करवाएं। और जहाँ तक हो सके आप जब मंदिर के आसपास घूमते हैं जाते हैं, तो अपने हाथ में कोई भी चीज़ ऐसा ना रखें जिसमें खाने की कोई चीज़ हो, क्योंकि जनरली ये अटैक करते हैं। दूसरा, लोगों को सेल्फी लेने की आदत बहुत होती है, पास में जाकर फ़ोटो लेने की आदत बहुत है, उसको अवॉइड करें, क्योंकि मंकी बाइट इज़ नॉट गुड एंड आपको काफ़ी प्रॉब्लम में ये डाल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।